भाई आपने देखा मेरे वृंदावन, हम वृंदावन में एंट्री कर चुके हैं और मैं अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है, जहाँ पे वैष्णो देवी की बहुत बड़ी मूर्ति है और हनुमान जी की। ये देखिए भाई, ये देखो भाई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, वैष्णो देवी मंदिर है और यहाँ पे आप मूर्ति देख सकते हो माता रानी की और हनुमान जी की मूर्ति है। देखो भाई, ये मंदिर, ये मंदिर कमल कमल देखिए भाई, एक ये रास्ते में एक ये कमल मंदिर पड़ता है, लोटस टेम्पल, ये भी वृंदावन में ही है। ये आश्रम है, आश्रम के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर के पास। ये देखिए कृपालु महाराज का ये अपना हॉस्पिटल है, और यहाँ पे काफ़ी कम पैसे लगते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी है तो यहाँ पे अच्छा इलाज हो सकता है। प्रेम मंदिर भी कृपालु जी महाराज का ही है, मैं आपको प्रेम मंदिर भी दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कृपालु महाराज का। गाइज अब हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर, मैं आपको दिखाता हूँ प्रेम मंदिर, बाहर से दिखा पाऊंगा भाई, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम हमारा गांव आना जाना होता तो हम इसी रोड से आते जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आप, ये देखिए भाई, ये प्रेम मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। ये प्रेम मंदिर है और प्रेम मंदिर से थोड़ी सी आगे ही यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है। भाई वृंदावन के बाकी बिहारी के लिए जाने के लिए ये रास्ता है और इस्कॉन टेम्पल के लिए भी ये रास्ता जा रहा है आगे, और हम यहाँ से राइट टर्न हो जाएंगे, हम यहाँ से राइट टर्न हो चुके हैं और इस जगह का नाम है चैतन्य विहार। ये सबसे बहुत भाई संडे है और वृंदावन में काफ़ी भीड़ भी है, यहाँ पे यात्री और दर्शक काफ़ी दर्शन करने के लिए जो आ रखे हैं, यहाँ पे काफ़ी जने आ रखे हैं भाई। कितनी भीड़ है यहाँ प्रेम मंदिर में और वृंदावन बाकी वैरी मंदिर जाने के लिए, काफी भीड़ है और भीड़ की वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है, लोग ट्रैफिक में यहाँ पे जाते हैं तो हम वृंदावन क्रॉस कर रहे हैं। और भी यहाँ पे अगर टेंपल हैं और आश्रम है, काफी अच्छे अच्छे बने हुए, हम जा रहे हैं वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है तो इस रास्ते में भी काफी अच्छे अच्छे टेम्पल बने हुए हैं। परिक्रमा मार्ग में से निकल के हम आ गए आउट रोड पे, जमुना जी के किनारे रोड है पूरा, ये सीधा जाता है वैसे राधा रानी मंदिर के लिए, राधा रानी टेम्पल के लिए, और हम यहाँ से होता है यमुना एक्सप्रेसवे रोड है जो नोएडा परिचौक पे कनेक्ट होता है, ये रोड, ये वाला रोड उस पर भी कनेक्ट होता है, काफ़ी लोग यहाँ से आते जाते भी हैं और हम जमुना जी के आपको दर्शन कराएंगे, जमुना मैया के, हम जमुना जी वाले रोड पे से जा रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको जमुना जी का पूरा व्यू, दिखाता हूँ कैसा लगता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे भाई चेकिंग चल रही है, भाई देख सकते हैं ये पूरा परिक्रमा मार्ग है, काफी आज संडे है तो यहाँ पे काफी भीड़ रहती है तो इसलिए बंद कर रखा है रास्ता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, कितनी भीड़ है यहाँ पे, गाड़ियों को अंदर परिक्रमा मार्ग से जाने नहीं दे रहे हैं। क्रॉस करेंगे जमुना जी का तो आपको उस पर से मैं दिखाऊंगा जमुना जी, तो चलता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको जमुना जी। ये देखिए भाई जमुना जी का पुल क्रॉस कर रहे हैं और इस साइड में भी जमुना जी हैं पूरे पे, आप देख सकते हैं, और इधर भी जमुना जी हैं पूरे में,
यहाँ पे अभी जमुना जी का पानी रोक रखा है क्योंकि यहाँ पे एक और 100 मीटर का रोड बन रहा है थोड़ा बाईपास, यहाँ इसलिए रोड यहाँ जमुना जी का पानी रोक रखा है। पिलर वगैरह खड़े कर रहे हैं फ्लाई ओवर के लिए। और इधर से मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरा जमुना जी का व्यू, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे जमुना जी का। तो भाई कमेंट्स में एक बार जयकारा जरूर लगाना, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। और इस जगह को बोलते हैं पानी गांव, यहाँ पे पास में पानी गांव है, इस जगह को बोलते हैं पानी गांव। और ये इसी रोड पे से आगे जाके ये रोड कनेक्ट होता है यमुना एक्सप्रेस वे जो परी चौक पे और एक साइड में आगरा में निकलता है और एक पे नोएडा परी चौक पे निकलता है जाके। All the sins that you can't confess, I'm just your ghost if we're not undressed.